नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिना प्याज लहसुन के मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई रखे हैं, उसमें हम तेल डालें। तेल मेरा गर्म हो गया है। ये 300 ग्राम पनीर है, इसको हम हल्का फ्राई कर लेंगे। हल्का ही फ्राई करके निकाल लेते हैं, इससे जब प्याज लहसुन नहीं पड़ता है तो टेस्ट अच्छा आता है। इस तरीके से हम हल्का फ्राई कर लिए हैं, बिल्कुल हल्का फ्राई किए हैं। वही तेल है, उसमें हम जीरा, छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं। इसको पकने देते हैं। इसमें हम काजू डाल देते हैं। और दो टमाटर काट के रखे हैं, उसे भी हम डाल देते हैं। इसमें हम नमक डाल देते हैं, नमक से टमाटर गलेगा अच्छे तरीके से। नमक आप अपने हिसाब से डालें। टमाटर को हम गलने देते हैं। टमाटर गल गया है, अब हम इसी में मसाला डाल देते हैं। हल्दी आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच, और ये एक चम्मच बेसन है, इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। इससे ग्रेवी गाढ़ा बनेगा, इसी में साथ में फ्राई होगा। मसाला मेरा फ्राई हो चुका है, देखिए साइड से तेल छोड़ दिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मसाला को ठंडा करके मिक्सी जार में पीस लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसको हम पीस लिए हैं मसाला को। इसमें हम जीरा डाल देते हैं, इसमें हम थोड़ा सा हींग भी डाल देते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसमें मटर डाल देते हैं, तब तक
ये फ्रोजन मटर नहीं है, ये अभी मार्केट में जो मिल रहा है वो मटर है, छीमी से छीमी। तब तक मटर फ्राई होगा। इसमें हम गैस कम कर देते हैं और इसको हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके। मसाला डाल वह कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा मलाई डाल देते हैं। गरम मसाला डाल देते हैं 1/4 छोटी चम्मच। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मिक्सी में जो पीसे हैं वही पानी है, पानी इसमें हम डाल देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डालें। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। देखिए कितना ज़्यादा ग्रेवी ठीक बना है। देखिए अब इसको हम उबलने देते हैं, एक उबाल आएगा फिर पनीर डालेंगे। एक उबाल आ गया है, इसमें हम सारे पनीर को डाल देते हैं। इसमें एक उबाल आने देते हैं, इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए इसका ग्रेवी देखिए कितना अच्छा बना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और प्लेट में निकाल के आपको दिखा। ये देखिए सब्जी बनके कितना अच्छा तैयार हो गया है। देखिए बिना प्याज लहसुन का भी बहुत टेस्टी सब्जी बनता है। एक बार आप ज़रूर घर में ट्राई करें, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कहाँ हम गलती किए हैं हमको बताइए आप लोग। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।